एंड मेरा फ्रेंड आया हुआ अभी अभी हम लोग कॉन्टेंट शूट करने के लिए जा रहे हैं तो बंदी के साथ बिजी हो गया भाई फोन पे देख लो जलपरी बनना है। तो शिवानी से थोड़ी बहुत बातें करी हमने एंड वी मेड क्वाइट अ फ्यू फ्रेंड्स हियर। मैं आ गया था, मेरे एक फ्रेंड का बार टेक ओवर था। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल व्लॉग विद शिवम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो गए। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग इनएक्टिव इतने महीने तक। आई नो यार ज़्यादा टाइम हो गया मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था, बट येस टुडे इज़ द डे कि मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ। एंड मेरा फ्रेंड आया हुआ अभी हम लोग कॉन्टेंट शूट करने के लिए जा रहे हैं तो वो कुछ रेडी हो रहा है, तो चलो उससे मिलवाता हूँ आप लोगों को। लेट्स गो। तो ये रहा मेरा फ्रेंड आज़िम, ये थोड़ा सा मैं इग्नोर करो ठीक है। हाँ आज़िम है ना, तो हम दोनों अब रेडी हो चुके हैं, ये अपने आउटफिट्स लेके आया हुआ है एंड अपना दोनों चल रहे हैं। तो यार ये बस अब निकल रहे हैं हमारे घर से एंड हम साकेत जा रहे हैं। साकेत में जाके हम थोड़ा सा कंटेंट शूट करेंगे एंड जैसा भी रहेगा वो दिखाएंगे। एंड शाम को मैं एक इवेंट में भी जा रहा हूँ तो एंड उसमें बहुत ज़्यादा मस्ती होने वाली है क्योंकि हमारे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं उसमें। तो यस आप लोगों को इवेंट में भी लेके चलूँगा, तो व्लॉग स्किप मत करना, पूरा कंटिन्यू देखो एंड जो भी मस्ती होगी आप लोगों को दिखाते। तो लेट्स गो चल। एंड मैं भी रेडी हो चुका हूँ, तो दिस इज द आउटफिट आई एम वेयरिंग फॉर द डे एंड यस चलते हैं अब ठीक है। लेट्स गो। हम दोनों निकल चुके हैं रास्ते में एंड मैं बस सैलून जा रहा हूँ। पहले सैलून जाके थोड़े से मेरे को अपने बाल सेट कराने क्योंकि बहुत दिन से घर से निकला नहीं था एंड मेरे बाल थोड़े अजीब से हो रहे हैं, तो बस सेट कराऊंगा। एंड ये इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, फैशन इन्फ्लुएंसर मेरे साथ आज, तो दोनों ही चल रहे हैं। जल्दी से बाल सेट कराते हैं ना, आगे हम फिर आगे चल रहे हैं ठीक है। तो रास्ते में जो भी रहेगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे। लेट्स गो। तो अपने हम सैलून पे आके बैठ गए, ये देखिए ये बैठा हुआ ये रहे। एंड बस मैं थोड़ी देर जल्दी सेट करूँगा इसे, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। एंड बस अपना सेट करके फिर चल रहे हैं अपने बाहर को। स्टाइलिंग्स पे लग जाएगा मैंने अपने बाल थोड़े सेट करेंगे यहाँ से पूरे। तो ये देख लिया फाइनल लुक अपना, बाल सेट हो गए ऑल डन। एंड ये मेरा वेट कर रहा है बेचारा तब से बैठा बैठा, कोई नहीं तो इस डन एंड अब चलते हैं यार। तो अपने यार सिली सिटी आ चुके हैं, अपने गाड़ी खड़ी कर दी एंड ये अपना रेडी है पूरा शूट के लिए। तो अब चलते हैं अपना को शूट करते हैं। ये रहा अपना सेलेक्ट सिटी वॉक है ना, शूट भी करेंगे एंड उसके बाद अपना सेलेक्ट सिटी वॉक में भी देख लेंगे क्या रखा कलेक्शन, कुछ कपड़े भी देखने मुझे। तो लेट्स गो चलते हैं एंड आप लोगों को भी दिखाते हैं कहाँ पे। चलो चलते हैं ठीक है। पहला वो हो गया, अब ये लड़का चेंज करेगा गाड़ी के अंदर ही बैठ के स्ट्रगल्स देख लो कितने। अभी अंदर बैठ के चेंज करेगा दूसरा आउटफिट अपना, दिखा दो है? तो कर लेते हैं, चेंज करने देते हैं एंड फिर वो करते हैं अपना। अब ये इसका आउटफिट टू है, लड़का ने चेंज कर लिया अपना आउटफिट। तो इसका कहना है इसको अपना एक ब्रांड कोलैब का वीडियो बनानी थी तो इसलिए इसके ज़्यादा है। अब इसके बाद हम साकेत में अंदर जा रहे हैं एंड दूसरी साइड जाएंगे, वहाँ पर दूसरा शूट करेंगे एंड वहाँ पे मेरे को अपना भी एक कंटेंट शूट करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंस्टाग्राम पे दिख जाएंगी, तो नीचे इंस्टाग्राम आ रहा है आप लोग फॉलो कर सकते हो एंड सारा कंटेंट एक सारी बक्सोदी आप लोगों को वहाँ दिख जाया करेंगी। वहाँ रह गए फोटो क्लिक करने में लगा हुआ। तो ये देखो हम दूसरी साइड आ गए एंड यहाँ सब अपना शूट करने में बिजी हैं, जिसको देखो वो धूप इतनी है ना मेरी तो आँखें नहीं खुल गई, पर ठीक है कोशिश करेंगे अपना जैसे तैसे। ये हरामी है सारा शेड्स लेके आ गया, मेरे घर तो रखे हुए शेड्स मेरे पास। चलते हैं जल्दी से एंड यहाँ शूट करते हैं, इसके बाद मेरे को थोड़ा सा H&M और ज़ारा में देखना है क्या कलेक्शन आया हुआ है वो भी देखेंगे एंड फिर अपना चलते हैं। बंदी के साथ बिजी हो गया भाई फोन पे ये देख लो इसे। अब ये रुका ये बैठ के चेन देख रहा है बैठ के। अरे चेन क्या पसंद आई तुझे कोई? अरे इससे बढ़िया था हमसे है। ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे अपना एंड बीच बीच में अपना रुक के कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। और क्या देखना है? देखना था। अच्छा यहाँ शूट करना है, यहाँ कर लेते हैं। कहाँ पे? पानी के पास। हाँ, मैं जलपरी बनना है। जलपरी बनना। चलो यार इसमें यहाँ। हाँ यार भाई इतनी गंदी धूप है ना क्या बताऊँ मैं। कहाँ खो गया भाई? झूठ पे ध्यान दे। कहाँ नजरें तेरी? मेरी नजरें आपको पता है। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं तब से इसकी वीडियोस बना रहा हूँ, मैं तो एग्जॉस्ट हो गया, पसीने पसीने हो गया।
अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी आई तो मैं थक चुका हूँ। एंड ये देखो अब भी फोटो खींचने में लगा हुआ है, हराम इंसान पूरा बिजी, बट अब थोड़ा सा सही लग रहा है, ये पूरा साकेत है। एंड मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ यार, बहुत टाइम बाद, आई डोंट इवन रिमेंबर मैं लास्ट कब आया था, बट यस कहाँ चलूँ भाई, अब तो हालत खराब हो गई मेरी, मेरा कंटेंट खत्म हो गया, बनाना है। हाँ यार बस बनाते हैं अब, चलो मैं अपनी वीडियो बना लेता हूँ एंड फिर अपना। हाय गाइस, अब देर में हाय बोला इसने, अब इसको ना अपने कंटेंट की टेंशन थी। आई एम फ्री, आई एम केयर फ्री नाउ। अब आपको बनाना है या ना बनाना? मुझे बनाना भाई, मेरा भी रह रहा, अगर नहीं भी बनाना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम करते हैं, आपका कंटेंट शूट करते हैं, उसके बाद चलते देखते हैं अंदर क्या सीन रहेगा। ठीक है, हाँ है ना, चलो गाइस मिलते हैं इनका कंटेंट शूट करने के बाद, बाय बाय। हफ्ते में एक बार आया करूँगा मैं इधर कंटेंट बनाने, तो अकेला आएगा? नो, इनके साथ। हाँ तो हम हफ्ते में एक बार आया करेंगे एंड मेरा भी कंटेंट शूट हो गया, तो यार ये सारी रील्स देखने के लिए आप लोगों को इंस्टाग्राम पर जाना पड़ेगा, तो नीचे इंस्टाग्राम आ रहा है, हम दोनों का ही आ रहा है, तो आप दोनों को जाओ एंड वीडियोज़ देख के बताना कैसी लग रही है, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर लो। अब कुछ खाने चल रहे हैं, ठीक है? क्या खा रहे हैं? तो अब कुछ खाने चल रहे हैं एंड मैं H&M भी चलूंगा, H&M में मुझे थोड़ा बहुत कपड़े देखने हैं, इसको KFC खिलाते हैं एंड अपना शॉपिंग करने चलते हैं, थोड़ा बहुत कपड़े देखने में कलेक्शन क्या है, तो लेट्स गो। गाइस हम यहाँ बैठे हैं और हमारी घाट चल रही है, सामने देखो क्या हो रहा है। मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, इस सब के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये इतनी गंदी शक्ल हो गई भी कांग्रेस से नंबर ले रहा है। हम यहाँ देखो यार, मैं तो भाई इतना कॉन्फिडेंस मेरे लाइफ में मेरे पास आ गया ना, तो बस बता नहीं मैं क्या करूँगा। कुछ नहीं भाई, हम कोई नहीं यार, हमें यहाँ कि हम जाके कैसे वैसा अप्रोच करें, ठीक है लेकिन मैं भी इधर पर हूँ जल्दी। वन ड्रीम मैंने शेड इसलिए पहन रखे क्योंकि मैं मतलब क्या ही बोलूँ, मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ यार। यहाँ पे एक कपल दिख रहा है मेरे को, मुझसे जलसी हो रही है, हम दोनों सिंगल हैं, मैं तो जल रहा हूँ, मैं नहीं रह सकते यहाँ पे ज़्यादा टाइम, हम यहाँ पे जल्दी अपना काम खत्म करते और चलते हैं, जल रही है यहाँ पे, सब कपल में घूम रहे और हम दोनों साथ घूम रहे भाई यार, भाईचारा ऑन टॉप, यही कह के गया हम खुद को दिला रहे हैं, और कुछ नहीं है, भाईचारा ऑन टॉप है भाई, हमेशा बंदीबाजी चलती रहेगी भाई। बंदीबाजी मैं नहीं करता है, मैं सबसे बड़ा बंदीबाजी भाई है, मैंने छोड़ा, अरे भाई है काम मत करे यार, लोग एक काम करते पहले वॉशरूम चलते हैं, उसके इधर से इधर से, ठीक है ना, वॉशरूम यहाँ पे वॉशरूम चलते हैं और इसके बाद फिर कुछ कपड़े देखते फिर कैसे चले, ठीक है, जो भी चल रहा है अपना सारा दिखाते रहेंगे आप लोग, फोटो लेती है, देखो ये भी लगा हुआ है तब से वॉशरूम में, कहता मैं तो आया फोटो लेने के लिए, हो गया सर, हो गया, चलो चले, चलो थैंक गॉड, चलो चलते हैं। हाँ हाँ बस ठीक है भाई, ठीक है चल, बहुत देर हो गई, 3 घंटे लगा दिए, पहले शॉपिंग करते हैं या कपड़े देखते हैं फिर चलते हैं खाने पीने, एंड ये कह रहा है मैं पहले खाना खाऊंगा फिर मेरे से कुछ काम होगा, एंड इसका KFC बिल्कुल सामने ही है, वो हो रहा सामने, हाँ हाँ तुझे पसंद है ना, मतलब KFC है ना, हाँ कितने दिन यहाँ बोला है, चलो यार चलते हैं KFC भाई, खिलाएँ सर KFC, यहाँ पर शायद कार्ड सिस्टम है मेरे हिसाब से, और सरवणा भवन भी है, नाइस, अगर यहाँ पे मालाबार पराठे मिले तो मैं मालाबार पराठा खाऊंगा, ठीक है, क्या क्या ऑर्डर करना है सर, ऑर्डर बताओ ना, और आज बहुत टाइम बाद चीट मिल खाने का, अबे चल मेरे घर पे तो काजू कतली खाता तू, तो अपना ऑर्डर चल रहा है यहाँ पे KFC में, ये पूरा फूड कोर्ट है यहाँ पे, सारा फूड कोर्ट है पूरा, यार मैं ज़्यादा बड़ा फैन हूँ नहीं KFC का, इसकी वजह से खाना पड़ता है मुझे, ये है ना, ये इसकी वजह से खाना पड़ता है, पर ठीक है चलो देखते हैं, ये रहा पूरा इसका सिस्टम, पता नहीं कैसे आ रही है, तो आता है वाला, अच्छा भाई करके देगा, रुक जाओ, तो यार जल्दी से ऑर्डर करते हैं अपना, खाते हैं आधे टाइम बात नहीं करते, देखो इसमें अपना ऑटोमेटिक सारा ऑर्डर हो जा रहा है, मैंने तो पहली बार देखा ऐसा ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम वाला, यार क्या आप ऐसा ऑर्डर कर सकते हो, देखो पता था पहले से ऐसा, MacD में भी था, पता नहीं मुझे, नहीं पता मैं आता नहीं हूँ ना, तो मुझे KFC का पता नहीं सिस्टम, जल्दी कर भाई क्या कर रहा है, अरे देख रहा हूँ क्या करना है, हाँ तो देख ना भाई,
पता नहीं भाई, इसको ऑर्डर कर दो फिर देखते हैं। तो ये अपनी मील आ चुकी है भाई, रेड पैड बढ़िया, भूख लग रही है। तो फिर जल्दी से खाते हैं, उसके बाद अपना आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यार अपना सारा बढ़िया, हैप्पी भाई, टूट पड़ा हो। तो खाते हैं लोग, एच एन एम आ गए एंड देखते हैं यहाँ पे कैसा कलेक्शन है, कैसा नहीं पूरा, है ना। तो ये पूरा कुछ नहीं है ना, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इस वाले एच एन एम में, कुछ ज़्यादा खास नहीं यार साकेत वाले में, इससे बढ़िया तो डी एल एफ वाला नोएडा का कोई नहीं। तो यार एच एन एम में तो कुछ समझ आया नहीं अपने को, है ना। ज़ारा आए थे, ज़ारा में भी इतना कुछ खास है नहीं। मैंने बस एक परफ्यूम ले लिया अपना, दिखाऊँ तो बस परफ्यूम लेके अपना अब चल रहे हैं। अब कहाँ आप इधर हो जाते हैं। एक तो ये हर जगह इसका फोटो खींचने भाई, इस बंदे को हर जगह भाई साहब कसम से, ये देख लो। हाँ हाँ कर ले भाई, काम मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं। Later that same evening. तो जैसे मैंने आप सबको बताया था कि शाम को हम एक इवेंट पर जाएंगे, तो दिस वाज द फर्स्ट प्लेस, दिस इज बेगम इन डिफेंस कॉलोनी एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड मैं और हाजिम यहाँ पे गए हुए थे एंड हमने यहाँ पे मोहित लिया हुआ था एंड द मोहित वाज क्वाइट गुड एंड स्टार्टिंग में तो मतलब इतनी कुछ अच्छी वाइब आ रही थी एंड ये कुछ चिकन का कुछ था एंड मैंने बोला हाजिम को कि तू खा कर देख एक बार कैसा कैसा नहीं। तो उसने बोला कि चल मैं खा के बताता हूँ कैसा है। तो या एंड ही वाज हैविंग अ बाइट एंड मैं मोहित पी रहा था, तो उसने पहली बाइट ली एंड इतना कुछ खास नहीं लगा उसे। मैंने उससे बोला पहले तू खा फिर ही मैं खाऊँगा। सो इनिशियली इट वॉज नॉट दैट गुड, बट ठीक है होता है सबका अपना अपना। एंड उसके बाद हम सब वाइब कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में हम दोनों अकेले बैठे हुए थे एंड उसके बाद वी हैड शिवानी विद अस, जिन्होंने हमें यहाँ इन्वाइट करा था। तो शिवानी से थोड़ी बहुत बातें करी हमने एंड वी मेड क्वाइट अ फ्यू फ्रेंड्स हियर, नए लोगों से मिले एंड द वाइब वाज वेरी गुड, गुड सॉन्ग्स। देन आई ट्राइड दिस मटन पिज्ज़ा एंड इट वाज क्वाइट गुड, मतलब मैंने लाइफ में पहली बार मटन पिज्ज़ा खाया था एंड ये बहुत ही अच्छा था। एंड यस एंड इसके बाद हम और एक्सप्लोर कर रहे थे एंड इवनिंग एंजॉय कर रहे थे अपना एंड आप जगह देख सकते हैं कितनी सुंदर है एंड पीछे बहुत ही सुंदर बार है इसमें। तो यार ओवरऑल मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके एंड इट वाज वेरी नाइस एंड वेरी पीसफुल एज वेल एंड यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रखे थे एंड दीज वर सम फ्रेंड्स दैट वी मेड एंड फिर हम नीचे आ गए थे। ये नीचे आके अपना शूट था, फोटो सब क्लिक कर रहे थे यहाँ पे सब। तो अपना ये सब करवाने के बाद फिर मैं दूसरे इवेंट में आ गया था, मेरे एक फ्रेंड का बार टेक ओवर था जैसे कि मैंने बताया था, बट मैं लेट हो गया था। यहाँ पे टेक्नो नाइट चल रही थी एंड टेक्नो नाइट हमने एंजॉय करी बढ़िया से, तो आप देख सकते हैं कैसा था एंड ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। सो या डोंट माइंड द ड्रिंक्स एंड स्मोक गाइस, इट्स इंजरियस फॉर हेल्थ, सो अपने रिस्पेक्ट करें। एंड ये वैष्णवी है मेरे फ्रेंड एंड ईशा एंड ऑल अदर माई फ्रेंड्स एंड ये भाई जोगर वाला भाई पता नहीं क्या कर रहा था ऊपर आके। सो यार दिस वाज द होल वाइब, आई गेस आप लोगों को अच्छा लगा होगा यार, दिस वाज द होल इवेंट। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे पर ठीक है एंड आई एंजॉयड द नाइट एंड दिस इट फॉर द व्लॉग गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।